नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज की कुछ बात ऐसी है, हमारे एक दोस्त है किसान भाई, उन्होंने एक बेहतरीन यहां पे प्लॉट जो है मैनेजमेंट करके बहुत अच्छे से यहां पे प्रोडक्शन भी अभी यील्ड चालू है। ये चिली का प्लॉट है, मतलब हरी लंबी वाली मिर्च जो रहती है उसका प्लॉट है। ये बहुत ही बड़ा प्लॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे ये शेडनेट का भी यूज़ किया है। इस शेडनेट का वीडियो का हम लोगों ने जुगाड़ का वीडियो हमारे चैनल पे डाला गया है, वो भी आप देख सकते हैं। साइड से भी शेडनेट पूरे मतलब जो ये प्लॉट है उसके बगल से लगाया है, क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह अंदर ना आए। शेडनेट के बाहर इन्होंने मकाई लगाई गई है, मकाई इसे लगाई गई है जो बाहर के इंसेक्ट आते हैं वो उसके ऊपर लगे। उसके बाद ये इनकी बंधाई भी बेहतरीन है। ये जो प्लॉट है, ये वैरायटी जो है कलश की मगधीरा वैरायटी है। उसके बाद इन्होंने एक और ऐसे ही प्लॉट मैनेजमेंट किया है, वो है सिजलिंग हॉट वैरायटी है शिमला, ये जो हरी मिर्च की है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले यही चिली के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी ए टू जेड जानकारी, चिली कैसे लगाते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे उसका मार्केट देखना है, इसका प्रोडक्शन कैसे अच्छे से निकालना है, कौन से समय में लगाना है, कैसे मिट्टी में लगाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है जरूर दबाइए। तो दोस्तों देखिए, ये जो मिर्च है, ये हरी मिर्च यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये प्लॉट में लगी हुई है पूरी, देखिए बहुत ही बेहतरीन। अभी ये हार्वेस्टिंग पे आ चुकी है पूरी, इसका शाइनिंग भी बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं। तो इस मिर्च के लिए जो है ज़मीन की मतलब रिक्वायरमेंट जो होती है दोस्तों, वो कैसी भी ज़मीन चलेगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी वाटर ड्रेनेज वाली अच्छी ज़मीन है। ऐसी वाटर ड्रेनेज वाली ज़मीन हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बेड़ थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, हाइट वाला बेड़ बना लीजिए, तो ज़मीन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज़मीन का पीएच जो है 6 से 6.5 यहाँ पे रहना चाहिए, पानी भी कोई भी चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मल्चिंग का यूज़ किया गया है, ड्रिप इरिगेशन है बीच में 16 mm की। तो ड्रिप इरिगेशन से फसल करना बहुत ज़रूरी है, ड्रिप इरिगेशन इसमें लगाना, क्योंकि फर्टिगेशन आपको जो करना पड़ता है वो दोस्तों ज़रूरी होता है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, इसको लगाना कब चाहिए, मौसम कौन से में यूज़ करना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भाई पूछते हैं कि संतोष भाई इसको लगाए कब। तो देखिए, फसल कोई भी होती है उसके टाइम पीरियड के अनुसार लगाइए। अब आप इसको ज़्यादा गर्मी में लगा रहे हैं तो इसको शेडनेट हाउस में लगाइए, पॉली हाउस में लगाइए, या तो ऐसा कुछ जुगाड़ करके बनाइए। अगर प्योर धूप में आप लगाएंगे, इसके ऊपर वायरस आएगा और पत्तियां जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ मुड़ने लगी, ये देख सकते हैं, जहाँ पर शेडनेट से अंदर धूप आ रही है तो इस तरीके से पत्तियाँ पूरा मुड़ जाती है। अभी प्योर गर्मी का महीना है, अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत ही गर्मी है, तो इस वजह से इस तरीके से ऐसे मुड़ जाती है। तो इसका टाइम लगाएं, देखिए इसको जून के इसके बाद दिसंबर तक आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। बरसात में लगा रहे हैं तो आपको स्प्रेइंग का शेड्यूल अच्छा रखना पड़ता है, अगर गर्मी में लगा रहे हैं तो इस तरीके से कुछ आपको जुगाड़ बना के आपको करना पड़ता है। तो आप इसको 12 महीना कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, गर्मी में है तो शेडेड हाउस, पॉली हाउस, ऐसा जुगाड़ छाँव का साड़ी वगैरह बांध दीजिए, कुछ भी करिए, या तो बरसात में हो तो उसको स्प्रेइंग में, तो आप इसको लगा कभी भी सेक सकते 12 महीना। तो दोस्तों इसके बाद तो ज़मीन के बाद ड्रिप इरिगेशन इसमें बात हो गई। अब बात आती है वैरायटी की। अब काफ़ी दिक्कत ये सामने आती है कि वैरायटी कौन से लगा, क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और कोई भी बीज उठा लेते हैं, वो सर्टिफाइड नहीं रहता, उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया की गई नहीं रहती है, कोई भी उठा के हम लोग लेके आते हैं, सीधा बीज लगा देते हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कतें आती है, वो फसल अच्छी नहीं आती है, टेढ़ा मेढ़ा आती है, और सबसे बड़ी बात कि एक बराबर नहीं आती है। आप 10,000 पौधे लगा रहे तो उसमें 5,000 ही पौधे उगेंगे, 5,000 मर जाएंगे, जो 5,000 उगेंगे वो उसके बाद वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो उसके लिए आप किसी नर्सरी में जाइए या नर्सरी हाथ से बनाइए। दोस्तों नर्सरी का एक वीडियो हम लेके आएंगे कि नर्सरी हाथ से कैसे बनाते हैं, कोकोपीट कैसे, उसके बारे में ज़रूर वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो आप नर्सरी बेहतर बना लीजिए। तो इसमें वैरायटी, अभी ये तो मैंने जैसे कि दो वैरायटी आपको बताई, ये जो है कलश की मगधीरा है, इसको प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद सिजलिंग हॉट है यहाँ पे, उसके बाद इसमें ज्वाला है, जुपिटर है, ज्वेलरी है, 450 के आसपास इस हरी मिर्च में वैरायटीज़ हैं। तो दोस्तों वैरायटी तो काफ़ी है, आपको अपने एरिया के अनुसार चूज़ करनी है। अभी हमारे एरिया में इसको चूज़ की गई है इसलिए क्योंकि ये धूप में अच्छा चलती है, ये इसकी पत्ती भी छोटी छोटी है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये फसल भी अभी फ्रेश भी है क्योंकि इनका मैनेजमेंट अच्छा है, बेहतरीन है, पानी का बहुत ही अच्छा है, इन्होंने मॉइस्चर अच्छा ज़मीन में रखा है। तो इस तरीके से वैरायटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब दोस्तों वैरायटी के बाद अब बात आती है इसका प्लांटेशन, कितना पौधा करना है, कितने एरिया में, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। दोस्तों देखिए, आप इस हरी मिर्च को अगर आप लगाना चाहते हैं, आपके यहाँ गर्मी में अगर मार्केट अच्छा है, जनवरी फरवरी में आप इसको लगा रहे हैं कुछ ऐसा इस तरीके जुगाड़ करके, या खुले में लगा रहे हैं या पॉली हाउस शेडनेट हाउस में लगा रहे हैं, तो इसको 1 एकड़ में 12 से 14 हज़ार पौधे आपको लगाने हैं पूरे एरिया में।
अगर आपका एरिया मतलब थोड़ा सा कम है तो उसी हिसाब से आप लगाइए, आधा बीघा है, आधा एकड़ है, तो उसमें आप 7,000-8,000 इस हिसाब लगाइए। एक एकड़ है तो आपका 12,000 से 14,000 तक आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत लगाइए, भीड़ भड़क का हो जाएगा और हवा अंदर मतलब वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा और इसमें डिसीज़ ज़्यादा आएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे थोड़ा भी कहीं लगता है भीड़ भड़क का हो गया तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे अभी देखिए ये पत्तियाँ कुछ सूख रही है, उसके बाद ये पाउडर मिलोडी धब्बा धब्बा दिख रहा है आपको, पीछे के साइड पर पाउडर आता है, अभी फ़िलहाल तो ये स्प्रे की वजह से जल गई है, देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब इनका स्प्रे बराबर लगातार स्प्रे हो रहा है एक दिन छोड़ के, इस वजह से यहाँ पर पूरा, तो ये दिक्कतें आती है आपको ज़्यादा भीड़ में लगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप बराबर इन्होंने 2-2.5 फीट का अंतर रखा है हर पौधे में, ये देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको अंतर लगाना है। तो दोस्तों आप अगर नर्सरी किसी नर्सरी से बना के ले रहे हैं तो आप इस पे 2 फीट पे आपको लगाना है, मल्चिंग पेपर बिछाना है 20 माइक्रोन का 25 माइक्रोन बिछाना है। अगर आपको उसको 2 फसल लेनी है तो आप 30 माइक्रोन का पेपर बिछाइए ज़मीन पर, लेकिन कोशिश कीजिए एक ही फसल लीजिए और उसके बाद इस पे दूसरी फसल लीजिए, गेंदा की लीजिए या टोमेटो की लीजिए या हरी शिमला मिर्च की लीजिए, कुछ भी लीजिए उसके बाद आप, या हनुमाना की लीजिए, लेकिन थोड़ा सा एक ही फसल, एक बेड पे एक ही फसल लीजिए, फसल चेंज कर दीजिए, रोटेशन में आप रखेंगे आपकी फसल अच्छी आएगी। अब दोस्तों आपने प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन करने के बाद इस फसल को फर्टिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ रहता है। जब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमेशा मुझे क्वेश्चन आता है संतोष भाई फर्टिकेशन, देखिए जब पौधा छोटा रहता है ना तो आप उसको फर्स्ट स्टेज में NPK ग्रेड दीजिए, उसके बाद आप NPK में क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश, आप उसको थोड़ा थोड़ा ग्रेड देते जाइए, जैसे 19:19 हुआ, 12:61 हुआ, 05:34 हुआ, ये दीजिए। उसके बाद सेकेंडरी में जाइए, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर में जाइए, उसके बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस तरीके से आपको स्टार्ट में देना पड़ता है ड्रेंचिंग के द्वारा। हमारा एक ड्रेंचिंग का वीडियो है, उसमें आप जाके देखिए, मैंने मेरे पॉलियोस में जो मिर्च है उसके बारे में शेड्यूल, एक 5 शेड्यूल आपको दिखाया है, 10 दिन में एक दिन छोड़ के मैंने किया हुआ है, तो उस हिसाब से फसल जो है ग्रोथ करती है। तो उसी तरीके से इसमें भी यही दोस्तों लागू होता है कि आप थोड़ा NPK दीजिए, फिर सेकेंडरी दीजिए, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट दीजिए, फिर उसको स्प्रे से दीजिए, फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना रहता है। तो इस हिसाब से अब इंसेक्टिसाइड जब इसको आप स्प्रे करते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फसल आपकी अब जब छोटी है तो उसको कम मिलिस दीजिए, कोई आप हार्ड दवा लाते हैं जैसे लैम्ब्रा साइक्लोथ्रिन आप लेते हैं, उसको आप 1.5 मिली आप मारेंगे तो सही है, आप उसको 2 मिली से मारेंगे तो वो फसल जल जाएगी, कॉर्चिंग हो जाएगा। कॉर्चिंग मतलब क्या होता है कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक काद पत्ता होगा ज़रूर, क्योंकि कॉर्चिंग ऐसा चीज़ है कि हर प्लॉट पे दिखता ही दिखता है, जहाँ पे दवा रुक जाती है साइड में पत्ती वहाँ पे जल जाती है इस टाइप, अभी तो ये नहीं है लेकिन इस टाइप ऐसे जलती है पत्ती, ये देखिए ये तो लीप माइनर की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसी ही पत्ती साइड से जल जाती है तो उसको कॉर्चिंग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्लाइट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसे इस तरीके से साइड से अगर पत्ती जलती है, ये बीच में गली है लेकिन साइड से अगर जलती है तो उसको कॉर्चिंग कहते हैं, दवा पत्ती पर रुक जाती है और साइड से जल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये हुआ कॉर्चिंग की तो बात हो गई। तब पेस्टिसाइड वगैरह आप जब यूज़ करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल्स हो, तो उसको थोड़ा हिसाब से यूज़ कीजिए। पौधा जब छोटा है तो कम मिलिए, थोड़ा मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा 1.5-2 महीना तो उसको बढ़ाइए, फिर बढ़ जाएगा बढ़ाइए, ज़रूरत के अनुसार उसको दीजिए। एक बार फंजीसाइड दीजिए, एक बार ऑर्गेनिक फंजीसाइड दीजिए, उसके बाद आप पेस्टिसाइड दीजिए, थ्रिप्स के लिए केमिकल्स चेंज कीजिए, फॉर्मुलेशन चेंज कीजिए, SC दीजिए, EC दीजिए, इस तरीके से अलग अलग रहता है। फंजीसाइड में सिस्टेमिक रहता है, कॉन्टैक्ट रहता है, अलग अलग मतलब बेस है, उस हिसाब से आप यूज़ कीजिए। एक ही आप अगर बायोस्टेन लीजिए, आप एक ही हर बार मारेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है पौधे का बढ़ जाएगा, मतलब उस फंजी फंगस का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और बायोस्टेन का असर ही नहीं होगा, मतलब वो फंगस ही नहीं मरेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, सिस्टेमिक देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से आप डिसीज़ का मैनेजमेंट इस फसल में कर सकते हैं और ये फसल एकदम आसान है। ये जो हरी मिर्च है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ये इसका मैनेजमेंट बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कायदे से करेंगे। थोड़ा सा शिमला मिर्च टेढ़ी हो गई है यहाँ पे अभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम बोरॉन की वगैरह कमी हो जाती है तो इस तरफ से हो जाती है, लेकिन इस साइड ऐसे जो है ऐसे स्ट्रेट रहनी चाहिए, देखिए ऐसे मार्केट में माल ज़रूरी रहता है। अब दोस्तों ये तो बात हमारी हो गई मैनेजमेंट इसका, पेस्टिसाइड वगैरह, उसके बारे में हम एक शेड्यूल लेके आएंगे हर एक फसल के बारे में, धीरे धीरे एक एक शेड्यूल लेके आएंगे कि स्टार्ट में क्या करना है, मिडल में क्या करना है, हार्वेस्टिंग पे क्या करना है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ तो अभी देखिए इसके बंधाई के बारे में, तो बंधाई की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बंधाई सुतली के द्वारा की गई है, 6 फीट के आसपास तार बांधी गई है। हमारा तार बांस बंधाई का एक वीडियो है, उसमें इसके बारे में स्पेशली हम लोगों ने जानकारी दी है कि ये बांस कैसे लगाना है, ये दूरी ये तार कैसे बांधनी है और ये कैसे बांधनी है, और इस शेड नेट का भी बता चुके, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, इसको ग्रो करना तो आसान है। अब इसका मार्केटिंग की अगर बात करें तो इसकी मार्केटिंग आप मतलब लोकल में कर सकते हैं। हरी मिर्च जो ये लगती है हम लोगों को, रेगुलर वाली यूज़ मिर्च है, आप कहीं बड़े सिटी पे रहते हैं आसपास वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर छोटे गांव में है, आप छोटे से पिकअप में टेम्पो में भर के आप अच्छे मार्केट में हरी बोरी एक आती है उसमें भर के आप ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोकल मार्केट में आसानी। अभी यहाँ पर रेट जो चल रहा है 45-50 रुपये किलो के हिसाब से ये मिर्च जो है चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हार्वेस्टिंग इसका चालू है दोस्तों। इसका हार्वेस्टिंग जो है 60 दिन पे चालू हो जाता है ये मिर्च का। अभी देखिए इसमें बहुत ही अच्छी फसल है। यहाँ पे अभी 60 दिन पे इसका हार्वेस्टिंग, 3 हार्वेस्टिंग हुआ है। 1 एकड़ में यहाँ पे 7 टन इनका माल निकला है, मतलब 7 टन माल, 7,000 किलो इनका माल अभी मार्केट में चला गया है दोस्तों। इसमें उनका अंदाज़ा है लगभग 1 एकड़ में 40 से 45 टन निकलने का उनका अंदाज़ा है 8 से 9 महीने में। इस फसल जो है पूरी 8 से 9 महीने दोस्तों ये फसल पूरी चलती है। 60 दिन में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। मार्केट में आप इसका अच्छे से अवेलेबल कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मुझे बताइए कि आपके यहाँ इस हरी मिर्च का रेट क्या चल रहा है लोकल में, थोक में, मतलब आपके मार्केट पे। तो यहाँ पे इस पौधे की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। इन्होंने शेड नेट बांधने की वजह से अभी यहाँ के नीचे ये देख सकते हैं पूरा इसका कलर। ये हम लोग चटनी वगैरह बनाने के लिए भी निकाल रख सकते हैं। ये इसको सुखा के ये भी लगभग 120-150 रुपये किलो के आसपास ये मिर्चा भी जाता है। तो आप ऐसे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके की जो मिर्च है इसको आप रख सकते हैं और 120-150 रुपये किलो ये मसाला वसाला बनाने के लिए जाता है। इस तरीके का मिर्चा अगर पीछे रह जाए तो उसको आप रख सकते हैं, ये भी ख़राब नहीं होगा सूखा मिर्चा। तो दोस्तों इस तरीके का ये पूरा जो प्लॉट यहाँ पर एकदम मैनेजमेंट हुआ है। बीच में चलने के लिए भी जगह है 3.5 फीट का, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। बेड प्रिपरेशन यहाँ पर 3 फीट का किया गया है, मतलब 5 फीट का दोनों बेड के अंतर है, 3 फीट का बेड़ है, 2 फीट में अंतर, बीच में पाथवे है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा है। तो ये पूरा प्लॉट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा कैमरा में उतना उस हिसाब से, लेकिन बहुत ही बेहतरीन लाजवाब दोस्तों ये प्लॉट था। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने ना इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। और भी आपको कुछ लगता हो कि संतोष भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए तो आप में कमेंट में मुझे बताइए। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए फसल के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।